नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में तेंदुए के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पचमढ़ी के पास नीमघान के गांव के जंगल में तंबू में सो रहे युवकों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ एक युवक को खींचकर ले जाने लगा, तभी तंबू में सो रहे युवक के जीजा को पता चला तो वो तेंदुए से भिड़ गया। उसने तेंदुए के जबड़े में मुक्के मारे, तब जाकर कहीं तेंदुए ने युवक को छोड़ा। उस हमले में युवक के नाक और सिर में चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजदूर को पचमढ़ी ले गई। वहीं विभाग के मुताबिक पर्यटक स्थल वाली सड़क पर पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां काम करने वाले 6 से 7 मजदूर अपने तंबू में सो रहे थे। वहीं तेंदुए ने सोते समय संजू पुत्र महेश, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसे खींच कर वह जंगल की ओर ले जा रहा था। वहीं पास में सो रहे संजू के जीजा संदीप को जब इसका पता चला तो तेंदुए से भिड़ गया। करीब 30 सेकंड लड़ने के बाद तेंदुआ साले को छोड़कर भाग गया। वहीं वन विभाग ने घायल को पचमढ़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे पिपरिया अस्पताल पहुंचा दिया। BMO डॉक्टर AK अग्रवाल ने बताया कि युवक की गले में पंजे व खरोच के निशान है, उसकी नाक में ज्यादा चोटें आई है, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं युवक की हालत ठीक है। रात के 10-11 बजे सो रहा था। हाँ। उसके बाद भी बीच में ये सो रहा था, इसके ऊपर हमने किया, उसने वो इसको खींच के ले जा रहा था सर, तो मैंने इसको दोनों पैरों के नीचे चिपाया और वो जान रहे तो बहुत गुस्से में, तो इसको छोड़ से ये तेंदुआ था सर, बड़ा वाला। तो पचमढ़ी से पेशेंट आया है, पचमढ़ी हॉस्पिटल से, लेपर्ड द्वारा घायल किया गया। कहाँ कहाँ चोट आई है सर? चेहरे पे चोटें हैं और नाक के ऊपर चोट। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।